आज ये जो महोत्सव हो रहा है, ये महोत्सव हम सभी प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। वन विभाग इस पे पहल करती है और तमाम अतिथि यहाँ पे जुटते हैं, जनमानस जुटते हैं और जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है हम उसकी चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज 75वें वन महोत्सव कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि हमारे जमुआ के आदरणीय विधायक केदार हाजरा साहब, यहाँ उपस्थित गिरिडीह जीप अध्यक्षा मेरी बड़ी बहन मुनिया देवी जी, यहाँ उपस्थित इस प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि छोटे भाई संजीत जादव साहब, यहाँ उपस्थित गिरिडीह से चलकर के आए हरदिल अजीज राजकुमार राज साहब, इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य संजय हाजरा जी, हमारे गार्जियन स्वरूप साहेब महतोदा, वन रोपण पदाधिकारी साहब, डीएफओ साहब, रेंजर साहब और तमाम ये जो वन कर्मियों का जो लंबा चौड़ा परिवार है, जो सुबह से और मैं समझता हूं कि कई दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, मैं उन सभी का खैर मकदम करता हूं। मैं खैर मकदम करता हूं अपने पत्रकार बंधुओं का और मैं खैर मकदम करता हूं दूर से चल करके आए और आसपास के ग्रामीण माता और बहनों और हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, मैं कबाब में हड्डी बन गया, उनके कार्यक्रम बहुत अच्छे चल रहे थे। आज महोत्सव तो है मित्र, और मैं भूल गया जिसके प्रक्षेत्र में मैं यहाँ पे खड़ा हूं या हम लोग सभी यहाँ पे हैं, हमारे छोटे भाई और इस पंचायत के मुखिया मनोज पासवान जी। आज महोत्सव तो है मित्र, लेकिन अगर इसको रस्मी तौर पे अगर हम देखें कि एक सरकार का निर्देश है और हम उसे मना लें किसी तरह से, तो मुझे लगता है कि हम किसी और से कोई बेईमानी नहीं करेंगे, हम खुद से बेईमानी करेंगे, हम अपनी आने वाली संतति से बेईमानी करेंगे। हम ये नहीं चाहते हैं कि इस पृथ्वी में मानव का अस्तित्व बचे अगर हम इसको रस्मी और सतही तौर पे लेते हैं। आज शपथ लेने का दिन है मित्र, आज ये भान करने का दिन है कि अभी दो चार दिन पहले आपने मीडिया में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, बड़े सुकून से हमारे केरल राज्य के वायनाड के लोग रात में सोए हुए थे और अधरात्रि का वो फवाह मंजर कुछ ही देर बची थी कि भोर हो जाती, कुछ ही देर बची थी कि भोर हो जाती। इससे पहले वायनाड के हजारों परिवार इस दुनिया से कुछ कर गए। एक खबर हो सकती है आपके लिए, लेकिन मेरे लिए, मेरे लिए उस विविधता की आहट है जो मैं यहां से देख रहा हूं मित्र। उस वायनाड के पीछे, उस वायनाड की घटना के पीछे वही चीजें थी जिसकी शपथ के लिए हम यहां पे उपस्थित हुए हैं कि पेड़ है तो हम हैं, पेड़ है तो जल है, ये सिर्फ नारों तक ना सिमट जाए मित्र। मुझे खास करके मैं अपनी बात कहता हूं, मुझे जब कोई पेड़ कटता हुआ दिखता है ना, तो मुझे लगता है कि हम में से किसी एक की हत्या हो रही है। मेरी बात किसी को नागवार लग सकता है, मैं जानता हूं, मेरी बात किसी को खराब लग सकती है, धंधा है, पैसा है, धंधे बदल लो, धंधे बदल लो। तुम जब नहीं रहोगे, तुम्हारी संतति जब नहीं रहेगी,
तो ये धंधा किसके लिए रहेगा। और मैं निवेदन करता हूं तमाम वर्णोपन पदाधिकारियों से भी, समाज दो चीजों से सुधरती है सर, या तो आप अच्छे अच्छे सत्संग करा ले और सत्संग से समाज सुधर जाए, और दूसरी चीज होती है डंडे से भी समाज सुधरती है। तो मेरा निवेदन होगा कि डंडा चलाना भूल ना जाए आप। आपने अखबारों में देखा होगा, अभी बड़ी वायरल हुआ था सोशल मीडिया में कि एक सैनिक राजस्थान में तपती बालू में पापड़ सेक रहा था। सभी ने देखा होगा क्या है इसके पीछे कारण। हम ही ना रहेंगे, हमारी संतति ही ना रहेगी, तो ये डेवलपमेंट किस काम का है। इसलिए मेरा निवेदन है, उस समय जब वन रोपण मंत्रालय नहीं हुआ करता था, देश का प्रथम कृषि और खाद्य मंत्री बोल रहे थे भीखो साहब के मुंशी साहब ने वन महोत्सव का शुरुआत 1950 में किया था। अब आप समझिए कि जब वनोपन विभाग भी नहीं था तो के मुंशी साहब के दिमाग में क्या चीजें चल रही थी कि आने वाला समय कितना भयावह होने वाला है। इसलिए हमें वन महोत्सव की ओर ध्यान देना चाहिए, वनों को लगाने के लिए ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं रहेगा ना तो वन रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा तो वन रहेगा। अभी मनोज जी कह रहे थे कि कैसे कोरोना काल में हम पीपल के पेड़ों को ढूंढ रहे थे, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिस छद्म विकास की बात हम करते हैं और जिस छद्म विकास की होड़ में हम अमेरिका और चाइना का पिछलग्गू बने हुए हैं, उससे वापस मुड़ना होगा, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता की ओर देखना होगा। जब हमारी माताएं पेड़ों में रक्षा बंधन बनती है, क्यों बांधती है? हम पीपल के पेड़ में अर्घ देते हैं, क्यों देते हैं? हम नीम के पेड़ में अर्घ देते हैं, क्यों देते हैं? इसके पीछे हमारी मनुष्यों ने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि इसकी रक्षा करो, ये रहेगा ना तो तुम रहोगे। बातें बहुत है और मैं समझता हूं कि ये जो विषय है दिन खत्म हो जाएंगे, मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन बहुत सारे साहबान हैं। हम सिर्फ वही निवेदन करते हैं कि यदि इस महोत्सव में जो भी व्यक्ति आए हैं वो ईमानदारी पूर्वक पेड़ों की बचाने की ही शपथ ले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद श्रीमान विजय चौरसिया जी।